वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम क्लास 12 एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड यूनिट पार्ट 2. द टाइटल इज लॉफ स्प्रिंग एंड द टाइटल ऑफ द पार्ट 2 इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. बिफोर स्टार्टिंग स्टोरी, I would like to give you some of the summary of this paragraph. ये paragraph में there is one character, there is a boy whose name is Mukesh. Here Mukesh wants to be an oven master. यहाँ पर जो मुकेश जो है वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. हालांकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो किसी की गुलामी करना नहीं चाहता है, उसका ड्रीम है. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टोरी में भी दो बातें की गई है. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट पॉवर्टी एंड द सेकंड वन इज चाइल्ड लेबर. दैट इज़ अबाउट चाइल्ड लेबर. मुकेश जो है वो छोटा बच्चा है और वो स्कूल में नहीं जाता है, तो वो सोचता है कि भाई मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊँ. और यहाँ पे जो राइटर है उसे कहती है कि भाई आपको गाड़ी चलानी आती है, तो मुकेश की आंखों में एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और वो चाहता है कि हाँ मैं सीख लूँगा, आई विल ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा. तो यहाँ पे इतनी गरीबी है फिर भी उसका जो ड्रीम है वो ड्रीम फेथफुल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. तो डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी में फिरोज़ाबाद की स्टोरी है. फिरोज़ाबाद जो है वो बैंगल मेकिंग के सेंटर से पहचाना जाता है, बहुत फेमस है. ज़्यादातर फिरोज़ाबाद में जो चूड़ियाँ जो है, बैंगल्स जो है, वो वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे चूड़ियाँ बनाते हैं. और फिरोज़ाबाद में एवरी सिटी, एवरी विलेज, आप जहाँ देखो वहाँ पे सारे लोग जो है वो बैंगल्स बनाते हैं. तो आगे जाके मुकेश जो है वो राइटर को कहते हैं कि भाई कभी कभी आप आओ हमारे घर पे. तो उस तरह ये समय पे मुकेश जो है राइटर को बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं और प्राउडली कहते हैं, और उनकी आंखों में चमक आ जाता है कि भाई फर्स्ट टाइम दैट काइंड ऑफ फेमस पर्सन विजिट अवर हाउस. तो वो लेके जाता है. तो जैसे ही वो शहरी में, जैसे ही वो स्ट्रीट में जाता है, यहाँ पे जैसे ही शहरी में एंटर होते हैं तो देखो उनकी लेन जो है, वो स्ट्रीट जो है वो इतना बदबूदार रहता है, बैड स्मेल आती है वहाँ पे. और एक घर पास होकर दूसरे घर की तरफ जाते हैं तो वो पूरा जो गार्बेज है उसका हीप्स वहाँ पे पड़ा रहता है. मतलब इतनी बदबूदार शहरी है, इतना मतलब बैड स्मेल वहाँ से आता है. और वहाँ से वो लोग गुजरते हैं तो वो घर जो देखते हैं तो घर छोटा सा रहता है और उसकी जो छत जो है वो टूटी हुई है, उसकी जो वॉल है वो फॉलन डाउन है, ब्रोकन वॉल है, टूटी हुई है. घर का जो है वो दरवाज़ा भी जैसे अगर आप क्लोज करो ओपन करो तो वहाँ पे साउंड आता है. तो यहाँ पे मुकेश कहता है राइटर को कि हम जो है ये घर को अभी रीबिल्ट कर रहे हैं, यानी कि दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आगे जाके स्टोरी जो है, जैसे ही वो राइटर जो है मुकेश के घर में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है. वो लोग एक रूम में जहाँ पे खिड़कियाँ भी नहीं है, पूरे डार्क रूम में मुकेश और उसकी फैमिली जो है, उसके फादर, उसके एल्डर ब्रदर, ग्रैंड मदर, एल्डर ब्रदर्स की वाइफ, वो सब एक ही रूम में रहते हैं. और वहाँ पे पूरे अंधेरे में ये जो चूड़ियाँ जो बनाने का वो लोग काम करते हैं, तो उसकी प्रोसीजर ऐसी होती है कि वो लोग जो है वहाँ पर ही वो बट्टी बना करते हैं, वहाँ पे जो ग्लास होता है वो डालते हैं, उसको पिघलाते हैं, बाद में वो वेल्डिंग करने का काम करते हैं कांच को. और ग्लास बैंगल्स जो बनाने की प्रोसीजर दिखाई गई है. और जैसे ही राइटर घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक लेडी जो है वो अपने स्टोव पर, फायर स्टोव पर, चूल्हा जो रहता है वहाँ पे ऊपर जो है
प्लेट रखी होती है, उसके नीचे वो लकड़े के साथ जो सूखा घास रहता है वो रखा हुआ होता है, और वो पालक की सब्जी बनाती है। और जैसे वो मतलब चूल्हा जलाती है तो उसमें से बहुत सा धुआं जो है वो निकलता है, और उसकी आंखें जो है वो धुएं में बहुत ही धुंधली हो जाती है, फिर भी वो राइटर को देख के स्माइल देती। मतलब ये लोग ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हमारा काम ही बेंगल्स बनाना है। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग भी ये बेंगल बनाते थे फिरोजाबाद में, और हम भी यहाँ पे बेंगल्स बनाते हैं। और हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मुकेश की फैमिली में उसके फादर को, उसके ग्रैंड मदर को पता ही नहीं है कि छोटे बच्चे ये जो बैंगल्स बनाने में लगे हुए हैं वो क्राइम है। वो लोग छोटे बच्चे को भी वहाँ पे लगा देते हैं काम पे बैंगल्स बनाने में। आगे जाके स्टोरी जो है वो बोलते हैं कि द गॉड गिवन लेनेज, लेनेज मीन्स अंसेस्टर्स, उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो फादर, फादर के फादर, ग्रैंड फादर, वो सब फिरोजाबाद में बेंगल ही बनाते थे। मतलब में वो लोग इतना हार्ड वर्क करते थे कि अभी तक मतलब उनको बेंगल्स बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और वो लोग ने उसके मुकेश ने फादर ने जो है पूरी लाइफ जो है बेंगल्स बनाने में लगा दी, और मुकेश के फादर जो उन्होंने भी लाइफ पूरी बेंगल्स बनाने में लगा दी, उनके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। और वो मतलब इतना दुखी रहता है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी हम जो है बच्चों को पढ़ा नहीं सके और उनके लिए छत भी बना नहीं सके। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड स्प्रिंग। यहाँ पे लॉर्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि आपको वो जो सीजन है वो आपको पता है कि अगर वो एक बार चला गया, मतलब मैं बच्चों के साथ कंपेयर किया है। अभी जो चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन जो है वो स्प्रिंग की तरह रहते हैं, इधर उधर उनके खेलने कूदने के दिन रहते हैं, स्कूल में जाने के लिए दिन रहते हैं। लेकिन वो जैसे छोटे थे तब से ही वो उनके फादर के सपोर्ट में लग गए थे बेंगल बनाने के लिए, तो उनकी जो बालपन की स्थिति जो है, बचपन की जो स्थिति है खेलने कूदने की, वो चली जाती है। इसीलिए ये टाइटल दिया गया है लॉर्ड्स स्प्रिंग। और यहाँ पे सविता नाम की जो एक यंग लेडी है, गर्ल है, उसको इसके बारे में पता ही नहीं है। भाई भाई वो तो सिर्फ उनके फादर है, उनके मदर है, उनके साथ वो सपोर्ट करती है कि भाई हमारा काम तो बेंगल्स बनाना है, तो वो जस्ट ऐसे ही हेल्प करती है। उसे पता ही नहीं है कि ये बेंगल का मीनिंग क्या होता है, वो सिंबॉलिक क्या है इंडियन वुमन के लिए, एक सुहाग के साथ ये सिंबॉलिक किया गया हुआ है। तो उसको ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि भाई भारत की जो भारतीय जो नारी है ज़्यादातर जिनके मैरिज हो चुके हैं वो लोग जो है वो बैंगल्स कंपलसरी पहनते हैं। और वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो लोग सुहाग है, वो मैरिड है, तो उनको वो बैंगल्स को होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो इसके बारे में ऐसे कुछ पता नहीं है, और ऐसे ही वो बैंगल्स बनाती है। और कहते हैं ग्रैंड मदर जो है कि भाई जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी, उसकी जब शादी होगी तब उसे पता चल जाएगा कि भाई उसको रेड कलर की जो घूंघट है, वेल जो फेस कवर करते हैं, पल्लू जो है वो फेस को कवर करना पड़ेगा, फिर बाद में रेड कलर की मेहंदी जो है उसके हाथों में लगेगी, और रेड कलर के बैंगल्स जो है वो भी अपने कड़ाई पे हाथों पे पहना हुआ रहेगा। तो मतलब में जब वो बड़ी होगी तब ये बैंगल्स का पता चलेगा कि रियली ये बैंगल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वो होली क्यों है, इतना पवित्र क्यों है, ऑस्पेशियस क्यों है वो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप। यहाँ पे मुकेश के फादर और उसके ग्रैंडफादर पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो लोग काम करते हैं, और कोई डेयरिंग भी नहीं करता है उसके आगे सोचने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग जो है वो मिडल मैन के पास से जो मनी जो रहता है वो उधार लेते हैं और उसके लिए काम करते हैं।
वो लोग की कोई यूनिटी भी नहीं है। अगर यूनिटी रहती तो कहते कि भाई ऐसा नहीं चलता है, ये एक्सप्लोइटेशन जो है वो, जो शोषण जो है वो नहीं हो सकता है, लेकिन उनको जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी यूनिटी जो है उनकी नहीं है। अगर कोई हिम्मत भी कर दे, डेयरिंग भी कर दे, तो जो वहाँ के एरिया के जो पुलिसमैन है, पॉलिटिशियन है, मिडल मैन है, वो लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं भाई आपका काम जो है वो बेंगल्स बनाना ही है, तो आप बेंगल्स ही बनाओ, उसके अलावा दूसरा कुछ सोचो नहीं। अगर कुछ डेयरिंग किया कुछ करने का तो आपको सीधा जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। तो मतलब भी यहाँ पे अनीस जंग जो है वो इतनी दुखी रहती है कि भाई इतनी पॉवर्टी, अगर कोई बच्चा चाहे कि भाई आगे बढ़ सके तो मतलब में वो भी सोचना एक गुनाह है। फिर बाद में लास्ट जो है वो रे ऑफ होप, मुकेश को अब उनकी आंख में जो है आशा की किरण दिखाई देती है, वो चाहता है कि भाई वो मोटर मैकेनिक बने। तो अनीस जंग कहती है कि भाई उसके अलावा आपका कुछ ड्रीम तो होगा ना। वो बोलता है कि नहीं भाई, अभी तो मोटर मैकेनिक ही बनना है, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनने के लिए कार को रिपेयर करने के लिए शॉप ढूंढनी पड़ेगी, और वो गांव से बहुत ही दूर, 2-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा और अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनीस जंग को उम्मीद है कि मुकेश जो है वो कुछ करना चाहता है, वो बहुत ही खुश हो जाती है। और उन वो लोग जब जैसे ही बातें करते हैं, वहाँ से एक प्लेन जो है ऊपर से जाता है, तो अनीस जंग कहती है कि भाई आप कभी सोचते हो कि पायलट बनना चाहिए? तो मुकेश जो है वो कहता है कि भाई हम इतना बड़ा ड्रीम जो है वो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लेवल से तो ये मोटर मैकेनिक ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो है अनीस जंग ने, राइटर ने दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई हुई है। एक, दोनों स्टोरी में कॉमन है पॉवर्टी, कितनी गरीबाई है हमारे भारत देश में, और दूसरी बात जो दी गई है वो चाइल्ड लेबर, जो बच्चे का इतना हार्डवर्क करते हैं वो क्राइम है, उनके अभी खेलने कूदने के दिन है, स्कूल में जाने के दिन है, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है कि वो लोग फादर को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी उनकी समरी, और आगे जाके हम देखते हैं कि स्टोरी में जो है वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो शैल वी स्टार्ट द लेसन, द पार्ट टू, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, हियर आई मीन्स मुकेश, ये मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओवन मास्टर, दैट इज द पॉइंट दैट आई हैव रिटन, दैट पॉइंट इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, आई वुड लाइक टू गिव यू सम ऑफ द पॉइंट्स दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओवन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट ऑन Being his own master, I will be a motor mechanic, he announces। यहाँ पे मुकेश जो है वो अनाउंस करता है कि भाई मुझे जो है वो खुद का मालिक बनना है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो अनाउंस करता है, मतलब अनाउंस इसीलिए करता है कि वो बताना चाहता है लोगों के भाई मैंने भी ऐसा ड्रीम देखा है, मैं ये पॉवर्टी में नहीं जीऊंगा, मैंने भी ड्रीम देखा है कि मैं भी आगे जाके कुछ ना कुछ काम कर लूं। सो यहां पे इतना फोर्स करता है कि भाई अपना ही मालिक बनना है, दूसरों की गुलामी नहीं करना है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, दैट मीन्स विथ कॉन्फिडेंस। यहां पर जो है वैन द राइटर आस्क मुकेश दैट डू यू नो एनी थिंग अबाउट द कार, दैट हाउ टू ड्राइव अ कार, तो
मुकेश रिप्लाइड दैट ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार, वो सीख लेगा कार चलाने के लिए, उसमें क्या है, वो तो उसका ड्रीम है तो वो सीख लेगा. हिज ड्रीम लूम्स, लूम्स यानी कि डल, यहां पे धुंधला हुआ स्वप्न लग रहा है. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज. डियर फ्रेंड्स, मिराज का मतलब है अपियरिंग पॉसिबल बट नॉट एक्चुअली शो, दैट्स मीन्स अनक्लियर इल्यूजन. मिराज जो है वो आपको पता है कि रण मैदान में अगर आप देखोगे तो दूर तक आप नजर वहां पे डालोगे तो आपको पानी दिखता है, वहां पे वाटर ही होगा ऐसा, लेकिन एक्चुअली में वहां पे वो पानी नहीं रहता है, वाटर नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं अनक्लियर इल्यूजन. तो मुकेश का जो स्वप्न है, ड्रीम जो है, वो भी वो मिराज की तरह है, धुंधला हुआ स्वप्न है. मुकेश का धुंधला हुआ स्वप्न है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल. यहाँ पे उसका जो स्वप्न है, जो ड्रीम है, वो पूरा धुंधला हुआ है, एक मिराज की तरह है, जो एक्चुअली दिखता तो है लेकिन रियल में नहीं है. तो ये जो उसका ड्रीम है, किसके बीच में ये ड्रीम है, अमिड्स, अमिड्स का मतलब है मिडल ऑफ, मिडल ऑफ द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्ड हिज टाउन फिरोजाबाद. यहाँ पे फिरोजाबाद जो है वो इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद में ज्यादातर जो है वो बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वहां पे जो ग्लास जो है उनको फर्निश करके बैंगल्स बनाते हैं, तो फिरोजाबाद सिटी जो है वो बैंगल्स के लिए फेमस है. और ऐसी फिरोजाबाद के टाउन में जो स्ट्रीट है वहां पे बहुत ही डस्ट है, मतलब धूल ही धूल है. अगर फिरोजाबाद के टाउन में जाओगे तो एवरीवेयर यू कैन सी द डस्ट स्ट्रीट. तो फिरोजाबाद की टाउन में जो स्ट्रीट है वो पूरा डस्ट है, पूरी धूल है चारों तरफ. वहां पे मुकेश का धुंधला हुआ स्वप्न वो देखता है. देखो मित्रों, कितनी जोरदार ये सेंटेंस दिया गया हुआ है. फिरोजाबाद इज अ फेमस फॉर बैंगल्स एंड इन द टाउन द स्ट्रीट इज फुल ऑफ डस्ट. वहां पे जो स्ट्रीट है वो पूरा धूल से भरा हुआ है, फिर भी उसका ड्रीम जो है कि भाई मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना है, तो उसकी आंखों में जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है. नेक्स्ट, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज फॉर ऑल द वीमेन इन द वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस. डियर फ्रेंड्स, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री That means related to making glass. यहाँ पे जो है glass blowing industry means यहाँ पे जो bangles बनाने की जो process है उसके बारे में बताया हुआ है कि भाई फिरोजाबाद जो है every other family in फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर family जो है is engaged, वहाँ पे engaged है क्या करने के लिए, in making glass. फिरोजाबाद की हर फैमिली जो है वो ग्लास में से बैंगल्स बनाने में पूरे वो लोग एंगेज है. क्यों? क्योंकि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये जो फिरोजाबाद है वो एक सेंटर है, एक केंद्र है ग्लास में से चूड़ियां बनाने की. और वेर एवरी वेर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, और वहां पे फिरोजाबाद में जो फैमिली जो है वो पूरा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो फिरोजाबाद में ग्लास में से चूड़ियां बनाती है. वर्किंग अराउंड फर्नेस,
वो पूरी फैमिली जो फिरोजाबाद में जितने भी लोग रहते हैं और रहते थे, वो सब लोग जो है वो वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस यानी कि भट्टी जहाँ पे ग्लास को पिघलाया जाता है पूरे हीटिंग करके और उसमें से चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो उनका जनरेशन जो है फैमिली की, वो पूरे वो फर्नेस में काम करने में जुटी हुई है। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को ज्वाइन करना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो फिरोजाबाद में जो जनरली इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, वेर एवरी फैमिली हैव स्पेंड देयर जनरेशन टू वर्क अराउंड द फर्नेस, भट्टी में काम करने के लिए उनकी पूरी फैमिली है। वेल्डिंग ग्लास, वहाँ पे ग्लास जो हो वेल्डिंग होती है, जॉइंट्स होती है, एंड मेकिंग बैंगल्स, एंड दैट ऑल द फैमिलीज मेक बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सेम। यू कैन सी एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन इन फिरोजाबाद जनरली द वीमेन वेयर बैंगल्स। वहाँ पे सारी जो स्त्री जो है वो लोग बैंगल्स पहनते हैं। तो ये पैराग्राफ में हमने देखा कि मुकेश का जो एक ड्रीम था, क्या ड्रीम था डियर फ्रेंड्स, मोटर मैकेनिक बनने का। ओके, उसके बाद राइटर ने पूछा कि भाई आप कुछ जानते हो उसके बारे में, तो कहे हाँ मैं सीख लूँगा। और वहाँ पे हमने देखा कि उसका जो ड्रीम है वो मिराज की तरह है, और फिरोजाबाद के जो टाउन है, फिरोजाबाद का जो टाउन उसकी शहरी में उसका स्वप्न एक धूल की तरह रहता है, धुंधला हुआ रहता है। और जनरली फिरोजाबाद में क्या होता है, वो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, उसके बैंगल्स के लिए, वहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती है। तो फिरोजाबाद की हर फैमिली जो है वो बैंगल्स बनाने में जुटी हुई है, पेड़ी दर पेड़ी जो है वो लोग बैंगल्स ही बनाते हैं, उसके ग्लास को ज्वाइन करते हैं, बाद में बैंगल्स बनाते हैं। तो हर कोई स्त्री जो फिरोजाबाद में रहती है वो सब जो है वो चूड़ियाँ पहनती है। नेक्स्ट, मुकेश फैमिली इज अमोंग देम। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में फिरोजाबाद के बारे में देखा कि फिरोजाबाद में क्या होता है, बैंगल्स बनाई जाती है, और मुकेश की फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम। नोन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्निस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। तो मुकेश की फैमिली जो है वो भी बैंगल्स बनाने में इन्वॉल्व है, और नॉन ऑफ दम फैमिली, यहाँ पे फैमिली में किसी को पता भी नहीं है कि भाई ये इलीगल है बच्चों के लिए। जो चिल्ड्रन जो है यहाँ पे ग्लास फर्नेस में जो काम करते हैं, भट्टी में जो काम करते हैं विथ हाई टेम्परेचर, कितना हॉट कितना हाई टेम्परेचर में बच्चे लोग ग्लास को पिघलाते हैं, तो बच्चों के पास से काम करवाना वो इलीगल है, वो कोई नहीं जानता है। इन डिंगी सेल, और कहाँ पे डिंगी सेल, डिंगी सेल मीन्स डार्क एंड ग्लूमी रूम, डिंगी सेल वो पूरा रूम जो रहता है वो पूरा अंधेरा हुआ रहता है, पूरा डार्क रहता है विदाउट एयर एंड लाइट। यहाँ वो रूम में कोई एयर भी नहीं रहती है, हवा भी नहीं रहती है, मतलब में उतना पूरा अंधेरा हुआ रहता है, और लाइट की तो बात ही मत कीजिए, वहां पे रूम में लाइट ही नहीं है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स। तो ये पहले ये सेंटेंस में क्या बताया गया है कि मुकेश की फैमिली जो है वो बैंगल्स बनाने में इन्वॉल्व है, और उनके फैमिली में किसी को पता भी नहीं है कि बच्चों को ये भट्टी में ग्लास बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए वो पूरा हाई टेम्परेचर में उनके पास से काम करवाते हैं, और कहाँ पे जो उनका रूम जो जहाँ पे रहते हैं वो रूम पूरा डार्क है, वहाँ पे लाइट भी नहीं है, एयर भी कोई हवा भी इधर से उधर से गुजरती नहीं है, पूरा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है वहाँ पे। तो ये सब इलीगल है, बच्चों के पास से काम करवाना ये बहुत इलीगल है। तो ऐसा तो वो लोग को पता ही नहीं है कि भाई ये इलीगल है ऐसा। इफ द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कानून जो है वो इंप्लीमेंट करे यहां पे, तो कुड गेट हिम एंड
all those 20,000 children out of the hot furnace where they slok their daylight hours. Dear friends, यहाँ पे श्लोक का मतलब है वर्क हार्ड और डे लाइट आवर्स मीन्स 24 आवर्स दे वर्क. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कानून जो है वो इंप्लीमेंट करे उस पर एनफोर्स करे तो ये मुकेश की तरह जितने भी जो बच्चे हैं कितने हैं 20,000 चिल्ड्रन जो है वो पूरे हॉट फर्नेस में काम करते हैं, पूरा इतना हार्ड वर्क करते हैं 24 आवर्स, तो वो लोग को वहाँ से निकाला जा सकता है अगर जो गवर्नमेंट जो है अपना कानून जो उन पर इम्प्लीमेंट करे. तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं अंधेरे में 24 आवर्स, often losing the brightness of their eyes. और क्या होता है उसका रिजल्ट क्या मिलता है 24 आवर्स जो ये लोग पूरा हार्ड वर्क करते हैं फर्नेस हाई टेम्परेचर के साथ, तो उनकी आंखें जो है वो उसकी रोशनी जो है वो चली जाएगी. मुकेश आईज बीम. हाँ, तो यहाँ पे ख़त्म होता है कि मुकेश की तरह 20,000 बच्चे जो है यहाँ पे काम करते हैं और उनकी आंखों जो है वो अंधेरे में काम करना और विथ हॉट टेम्परेचर के साथ काम करना, उसकी आंखें धुंधली हो जाएगी, उनको दिखाई नहीं देगा. और नेक्स्ट, मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट. यहाँ पे मुकेश की आंखों में जो है वो चमक आ जाती है कि भाई यहाँ पे जो मुकेश जो है जनरली मुकेश ऑफर द राइटर टू विजिट हिज हाउस. यहाँ पे मुकेश जो है वो राइटर को अनीश जंग को कहता है कि भाई आप हमारे घर पे आओ, तो वो प्राउडली उसकी आंखों में जो है वो चमक आ जाती है और प्राउडली कहता है कि भाई जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं कि भाई आप आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और उनकी आंखों में इतनी चमक रहती है कि वो अनीश जंग को कहता है कि भाई ये जो घर जो है वो हम रिबिल्ट कर रहे हैं, यानी कि दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वी वॉक डाउन. अभी देखो जैसे ही अनीश जंग और मुकेश वो फिरोजाबाद टाउन की शहरी में से जब निकलते हैं मुकेश के घर पे जाते हैं, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चॉक विथ गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल विथ क्रम्बलिंग वॉल वुबली मीन्स अनस्टेडी डोर्स टू विंडो क्राउडेड विथ फैमिलियर टू ह्यूमन एंड एनिमल्स कोइंसिस्टिंग इन टूगेदर अ प्रिमिवल स्टेट. प्रिमिवल स्टेट मीन्स एंशियंट स्टेट प्रियोलिस्टिक स्टेट. वी वॉक डाउन सिंकिंग लैम्प अनप्लीजेंट प्लेस बैड स्मेल, यानी कि बहुत ही बदबूदार जो है वहाँ पे अनप्लीजेंट प्लेस जो खुशबू जो था वो बहुत ही बदबूदार थी, और चौक विद गार्बेज, गार्बेज जो था वो पूरा चौक था, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही सारा गार्बेज था. एंड पास्ट होम दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्पिंग वॉल. क्रम्पिंग वॉल का मतलब है फॉलन वॉल, ब्रोकन वॉल, वॉबली डोर्स, अनस्टेडी डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमन एंड एनिमल्स कोइंस्टिंक्ट इन प्रिमिवल स्टेट, दैट्स मीन्स एंशियंट स्टेट. तो यहाँ पे जो है वो जैसे ही शहरी में से निकलते हैं वहाँ पे बहुत ही बदबू जो है वो आती है, और देखा जाए तो वहाँ पे जो डोर जो था वो फॉलन, जो वॉल जो है वो फॉलन है, ब्रोकन वॉल है, और वहाँ की खिड़कियाँ तो है ही नहीं, और पूरी फैमिली जो है ह्यूमन के साथ साथ उनके घर में एनिमल्स भी रहते हैं. एनिमल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि फ्लाइज, मॉस्किटोज और गली के कुत्ते वो सब यहाँ पे एक ही रूम में रहते थे, क्योंकि उनके जो पेडी जो है वो जो प्री हिस्टोरिक जो स्टेट है पूर्वज के लोग पहले जो थे एंशियंट स्टेट के,
वो लोग भी पहले ऐसे ही रहते थे, तो ये लोग भी ऐसे ही यहाँ पे रहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हम यहाँ तक ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू